हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए आज हम लोग बात करेंगे। अभी ना हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं प्रेगनेंसी की सीरीज, जिसमें हम वीक वाइज डिस्कस करेंगे। ये हर फ्राइडे को आएगी मॉर्निंग में, फ्राइडे टू फ्राइडे हम करेंगे। बाकी मंडे टू थर्सडे जो हमारे नॉर्मल हेल्थ अवेयरनेस के वीडियोज होते हैं वो ही चलेंगे, बट फ्राइडे टू फ्राइडे हम जो वीक वाइज है उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे वीक वन एंड टू इन प्रेगनेंसी, उसमें क्या क्या होता है, जैसे क्या क्या चेंजेस बॉडी के अंदर आते हैं, जो वेमेन है उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, फादर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो पापा बनने वाले हैं उनको, एंड बेबी जो होता है उसमें क्या चेंजेस आते हैं। तो ऐसे हम वीक वाइज करेंगे, जैसे आज हम फर्स्ट टू करेंगे, देन थ्री फोर वीक्स का नेक्स्ट फ्राइडे को करेंगे, इस तरह से। तो ये हमारा होगा फर्स्ट टू 40 वीक्स तक, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है वो फर्स्ट वीक से लेके 40 वीक्स तक होती है, तो हम इस तरह से उसको आगे लेके चलेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे हमारा वीक वन और टू। अब आप बोलोगे कि पर हम तो जब प्रेग्नेंट होते हैं हमें पता चलता है, तो हमारा 6 वीक होता है, 7 वीक होता है, तो ये कैसे हुआ, फर्स्ट सेकंड वीक क्या है? तो देखिए, जो आपकी प्रेगनेंसी होती है ना, वो काउंट होती है जो आपका लास्ट पीरियड हुआ होता है उसका जो फर्स्ट डे होता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है आपका उसका जो फर्स्ट डे होता है, तब से हम वीक को काउंट करते हैं। उस टाइम पे आपका बेबी नहीं हुआ होता है, आपका बेबी फॉर्म नहीं होता है, बट बॉडी में चेंजेस होते हैं जो कि बेबी को सपोर्ट करने के लिए बने होते हैं। जैसे कि जो हमारा पीरियड का फर्स्ट डे होता है उस टाइम पे एग बड़ा होता है, उसके बाद जैसे वो बड़ा होता है तो अराउंड मिड मंथ में जाके 14 डे के अराउंड जाके वो ओव्यूलेट हो जाता है, और ओव्यूलेशन होता है तो वहाँ पे एग रिलीज हो जाता है। ठीक, अब क्या होता है कि इसमें एक एंडोमेट्रियम भी तैयार होती है, जो यूट्रस है उसमें एक एंडोमेट्रियम तैयार होती है, जो क्या करती है, बेबी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो बेबी को यूट्रस में अटैच करती है और उसको ग्रोथ देती है, ब्लड फ्लो देती है, ब्लड सप्लाई देती है और नरिशमेंट देती है। ये एंडोमेट्रियम का काम होता है, एंडोमेट्रियम ही करती है जो कि बेबी को सपोर्ट करने का काम करती है यूट्रस में, और उसको जो भी उसका ग्रोथ और नरिशमेंट वगैरह देना होता है वो एंडोमेट्रियम देती है। तो ये जो होता है ये फर्स्ट टू वीक्स में ही बनता है और प्रिपेयर होता है। अब ओव्यूलेशन हो गया, अब एग हमारे अंदर 24 टू 48 आवर्स के अंदर है, फर्टिलाइजेशन इस टाइम पे होना चाहिए। तो जो फर्स्ट टू वीक्स होते हैं इस टाइम पर जो हमारा एग होता है और स्पर्म होता है उसका फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है। तो इट मींस जो स्टार्टिंग के टू वीक्स होते हैं इस टाइम पर ओव्यूलेशन होकर एग रिलीज होकर स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, एंडोमेट्रियम तैयार हो जाती है जो कि आपके बेबी को आगे जाके सपोर्ट करने वाली है। तो देखिए ये फर्स्ट टू वीक्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब क्या होता है कि इसमें आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, मदर्स को किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको इस तरह से रिएक्ट करना है जैसे कि आप प्रेग्नेंट है, तो आपको सेम उसी तरह से चीज़ें करनी है, जैसे कि बैलेंस डाइट लेना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होंगे, प्रोटीन का वैल्यू ज़्यादा होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको ज़्यादा लेने हैं, प्रीनेटल विटामिन्स आपको लेने हैं जैसे कि फोलिक एसिड, विटामिन B12, अगर विटामिन डी की कमी है तो आप विटामिन डी की कमी को भी पूरा करेंगे, उसके सप्लीमेंट्स भी लेंगे। अगर आपको जो भी कैफीन होता है उसका इंटेक बहुत ज़्यादा कम रखना है, आप स्मोक करते हो तो आपको स्मोक नहीं करना है, और कोई भी आप जंक फूड हो गया, प्रोसेस फूड हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ है या कोई भी शुगरी चीज़ है ये आपको नहीं लेनी है। डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का जो कंटेंट है, जो भी आपका अमाउंट है वो आपको बढ़ा देना है, एंड बाहर का जंक फूड और ये सारे खाने को आपको बिल्कुल बंद कर देना है। तो देखिए आपको जो मदर आप जो होने वाली है उसको आपको फर्स्ट टाइम से ही, जब आप प्रेग्नेंट अभी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तब भी आपको ऐसे रिएक्ट करना है जैसे कि आप प्रेग्नेंट हैं, और सेम अपनी हेल्थ का ऐसे ही ध्यान रखना है जैसे कि एक प्रेग्नेंट लेडी रखती है। तो आपको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान रखना है, मेडिसिन का प्रॉपर ध्यान रखना है। एक चीज़ और, अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है या ब्लड प्रेशर है और उसकी दवाइयाँ खा रहे हैं और आप अब बेबी प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए कि आप बेबी प्लान कर रहे हैं और आप ये मेडिसिन खा रहे हैं, क्योंकि अगर वो मेडिसिन आपको उस टाइम के लिए सूटेबल होगी तो वो आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं होगी तो वो उसको वहाँ पर जाके चेंज कर देंगे। तो प्लीज़ आप उनको जाके पहले दिखा दीजिए कि आप कौन सी मेडिसिन ले रहे हैं, कौन सी मेडिसिन आप खा रहे हैं अभी बेबी कंसीव करने के प्लानिंग के टाइम पर। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं बात करती हूँ जो पापा बनने वाले हैं उनके क्या रोल्स होंगे। तो देखिए ऐसा नहीं है फादर्स को लगता है कि प्रेग्नेंट तो मेरी वाइफ होगी तो वो सब कुछ ध्यान रखेगी, बट ऐसा नहीं है। आप जो है फादर बनने वाले हैं आपको भी अपना पूरा सपोर्ट देना है, पूरा ध्यान रखना है, आपको भी प्रॉपर बैलेंस डाइट लेना है, क्योंकि देखिए एग जो होता है ना एग हेल्दी है, बट अगर इस स्पर्म जो कि फादर से आता है, अगर इस स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इस स्पर्म का काउंट अच्छा नहीं है, मोर्टैलिटी अच्छी नहीं है जो कि स्विम करता है, इस स्पर्म का जो डीएनए स्ट्रक्चर होता है जो बेबी को फॉर्म करेगा अगर वो अच्छा नहीं है, जिसको हम स्पर्म मॉर्फोलॉजी कहते हैं, तो अगर वो अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम आगे जाके आएगा, मिसकैरेज के चांसेस भी हो जाते हैं एंड और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, बेबी में भी डीएनए रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जो स्पर्म है उसका उतना ही रोल है जैसे कि एक मदर के अंदर
एग का होता है। स्पर्म को हेल्दी करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फादर की होती है। उसको आपको अपनी बैलेंस डाइट लेना है, सेम ड्राई फ्रूट्स लेने हैं, फ्रूट्स लेने हैं, बाहर का जंक फूड बंद करना है, स्मोकिंग बंद करनी है। आप कुछ भी ऐसा वैसा खाते हो जो विच इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, तो आपको वो चीज़ नहीं खानी है। एंड आपको भी अपना हो सके तो प्रीनेटल्स प्रॉपर लेके रहना है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी खाइए। आपको कैल्शियम आयरन की कमी है तो आप कैल्शियम आयरन को पूरा करिए। क्योंकि जो एक हेल्दी स्पर्म का मतलब होता है, जिसका स्पर्म काउंट अच्छा हो, जिसका मोर्टैलिटी अच्छा हो, जिसका स्पर्म का मॉर्फोलॉजी अच्छा हो, मतलब स्पर्म का डीएनए, अगर स्पर्म का डीएनए सही नहीं होगा तो वो चाहे कितना भी हेल्दी एग से जाके फर्टिलाइज कर ले, वो हेल्दी बेबी फॉर्म नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए। तो फादर्स का सेम उतना ही रोल है जितना एक मदर का रोल है, क्योंकि एग और स्पर्म दोनों की क्वालिटी अच्छी होगी तो ही आगे जाके सब अच्छा रहेगा। पूरा 9 मंथ्स बहुत अच्छे से जाएंगे, बेबी भी हेल्दी एंड फिट डिलीवर होगा। अगर स्पर्म खराब है तो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में कि लोगों को ये लगता है कि नहीं, मदर है वो प्रेग्नेंट हो रही है तो वो अपना ध्यान रखे, कि हमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मोस्टली मेल्स को लगता है हमारी सोसाइटी में, तो ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि आपका स्पर्म उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि एक एग इंपॉर्टेंट है। तो स्मोकिंग वगैरह जो भी आप जंक फूड ऐसा वैसा कुछ भी खाते हैं सब स्टॉप कर दीजिए। हेल्दी खाना खाइए, प्रोटीन खाइए, कार्ब कम खाइए, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये बहुत अच्छे से खाइए। तो देखा आपने, फर्स्ट 2 वीक्स जब हमारा नहीं हुआ है, हम प्रेग्नेंट नहीं है, बट हमारी जो एक नींव डली है, जिसको हम रूट बोलते हैं, नींव डली है, वो फर्स्ट 2 वीक्स में ही डल जाती है कि आपका बच्चा आगे जाके कितना हेल्दी होगा, आपके मिसकैरेज के चांसेस कितने हो सकते हैं, आपकी डिलीवरी पूरे 9 मंथ्स कैसी जाएगी। तो इसलिए फर्स्ट 2 वीक्स को इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंस दीजिए जितना कि आप अपनी आगे वाली प्रेगनेंसी को देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, जो भी प्रेगनेंट होना चाह रहे हैं, हो रहे हैं, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट फ्राइडे हम दूसरे वीक का वीडियो लेके आएंगे, बाकी इस बीच में जो भी हमारे हेल्थ अवेयरनेस के वीडियो है उन्हीं को लेकर चलते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, अब कल मिलती हूँ मैं आपसे, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।